आपने अभी तक TMD चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन की बटन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर खबर की अपडेट मिलती रहे। शाजापुर जिले के सलसलाई नगर में यात्री प्रतीक्षालय न होने की वजह से यात्रियों को होटलों पर, मंदिरों में और पान की गुमटियों में इस बारिश से बचने के इंतजाम करने पड़ते हैं। वहीं आपको बता दें कि आज से 4 साल पहले सांसद मनोहर ऊंटवाल ने नगर में यात्री प्रतीक्षालय बनवाने की घोषणा की थी, लेकिन सांसद की घोषणा आज तक पूरी नहीं हुई और सांसद का कार्यालय भी पूरा हो गया है। वहीं सांसद को हमारे संवाददाता ने फोन पर यात्री प्रतीक्षालय के बारे में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा यात्री प्रतीक्षालय की घोषणा की गई थी और राशि भी डलवा दी गई थी। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर सांसद महोदय के द्वारा राशि डलवा दी गई थी तो राशि गई कहाँ? गांव के लोग यहाँ से सफ़र करते हैं, कहीं भी आना जाना इंदौर भोपाल उज्जैन के लिए भी अगर नहीं है और इसके पहले अब रही बात आपकी यात्री प्रतीक्षालय की, तो उसमें हमारे यहाँ पहले हमारे यहाँ सांसद थे मनोहर ऊंटवाल जी, उनके द्वारा या शहीद मनोज सोनी जी की स्मारक उन्होंने घोषणा की थी। कह के गए थे कि बोले यहाँ यात्री प्रतीक्षालय के लिए उन्होंने घोषणा की जिसकी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। अच्छा, मना ही इस पर कोई विचार किया गया? अच्छा, परफेक्ट वाला नहीं होने के कारण हमें दूसरे की दुकान में खड़े तो दुकान वाले भगा रहे हैं हमें। अच्छा, यहाँ पे यात्री प्रतीक्षालय ना है ना? हाँ, इस और आसपास दुकान पे जाते हैं वो कहते हैं कि आगे बढ़ो, आगे जाओ, सीधे जाओ। अच्छा, लगभग आपके यहाँ सलसलाई के आसपास में गांव कितने लगते हैं? कितने गांव लगते हैं? 40 से 50 गांव लगते हैं। 30-40 गांव लगते हैं। परफेक्ट वाला नहीं है। अच्छा, यहाँ के कारण हम ये दूसरे की दुकान पे खड़े हैं, दुकान वाला कहता है कि आगे जाओ, दूसरी दुकान पे खड़े हो, उधर जाओ तो दूसरी दुकान पे खड़े हो। संवाददाता किशोरनाथ राजगुरु की रिपोर्ट।